यहाँ पे देखो, ए तुम्हें फोन आएगा, तुम इसको इधर से ले गया। लाइव ट्रांसमिशन के जरिए इस वक्त खदीजा टीवी और लिमरा न्यूज पर हम ये रवा तबसरा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस वक्त यौम अरबईन आज इस शहर अजा में आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग इमाम बारगाह नाजिम साहब से रवा दवा हैं करबला ताल कटोरे की तरफ, और हम अपने इमाम को याद कर रहे हैं। किस अंदाज में हम बात करेंगे उन तमाम लोगों से जो दूर दराज से चलकर आज इस शक्ल में मशी के तौर पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और उनके हम तम तासुरात आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करेंगे। इस वक्त मौसम बहुत ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों या लाखों के मजमा है जो इस वक्त इस आज़ादारी रोड पर, यानी यहाँ से नखास से होते हुए करबला ताल कटोरे की तरफ गामजन होगा। तो यहाँ मजलिस ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद ये जुलूस अरबईन अपने तमाम अंदाज में निकल कर अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा, और हम कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों से बात करने की जो इस अरबईन इस शहर आज़ाद लखनऊ से जुड़ेंगे और हमसे बात करेंगे, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे जिनके तासुरात हम आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करेंगे। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ से जो तमाम जवारन हुसैन है, इमाम हुसैन के आशिक हैं, वो यहाँ पर आए हुए, और इस पूरी लाइव कवरेज में हम कोशिश करेंगे लोगों तक पहुँचने की, और ताकि आपको अलम मुबारक की और तमाम जो ज्यारात हैं उससे आपको मुशर्रफ फरमाया जाए। तो कोशिश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, और जहाँ तक हो सके हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अंजुमन, ये देखें गुगेरा सादात, तो यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ से आई हुई है लाइव में यहाँ पे, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट की एक गांव है जो यहाँ से दूर है, इनके जज्बे को सलाम है। ये आज यहाँ पर आए हैं और लब्बे के या हुसैन की सदाओं के साथ अपने आका और मौला को याद कर रहे हैं। बहुत दूर है और इनकी पाँव की रंगत ये बता रही है कि ये सब एक एक कदम चलकर अपने इमाम हुसैन को याद किए हुए हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे? ये इमाम हुसैन की याद में हम लोग यहाँ तक पैदल इसलिए आए हैं कि आगे चल के हम लोगों को हौसला और बुलंद होना चाहिए, हर कौम के बच्चे को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरी अंजुमन, और यहाँ से अंजुमन जा रही है। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त ये जम्मे गफीर
जो अपनी दिलों की धड़कन की सदाओं के साथ लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रही है। और इस योम अरबईन इस शहर आज़ा लखनऊ से, लखनऊ मरकज है, मैं इस जुलूस की रवायत के बारे में बताऊं कि जो ये योम अरबईन हम क्यों मनाते हैं, तो वो तमाम जो नाजरीन इस बारे में नहीं जानते उनको बताएं कि जब कैद हरम से अहले हरम कैद से छुटकर करबला में आए हैं और उस दिन इमाम हुसैन 40 दिन हो चुके थे और इमाम के 40वें के तौर पर यानी इमाम के चहलम के तौर पर यह अरबईन मनाया जाता है। हमारे उलमा इकराम ने इसकी ख़ास ताकीद की है कि जब भी नजफ़ अशरफ से हो या इराक़ से मुख्तलिफ कोनों से लोग पैदल ज़ोक दर ज़ोक जाते हैं और इमाम हुसैन को अपना सलाम और नजराने अकीदत पेश करते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग करबला गए हुए हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, जहाँ रंग व नस्ल व बू और वहाँ तमाम ज़बानें गुंग हो जाती हैं, सिर्फ एक सदा बुलंद होती है, वो करबला में इमाम हुसैन को याद करते हुए लब्बैक या हुसैन की सदा है। तो आज हम उस तासी को उसको यहाँ लखनऊ में भी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हद नज़र जहाँ तक भी आपकी निगाह पहुँचेगी, हमारे कैमरे की वसत जहाँ तक पहुँचेगी, वो आप देख सकते हैं कि हज़ारों आशिकान हुसैन अपनी पूरी तवानाई के साथ यहाँ पर मौजूद है और करबला के उन प्यासों को याद कर रहे हैं, उनका चेहलम मना रहे हैं। इस अरबईन यहाँ से गुजरते हुए बच्चे नन्हे मुन्ने जो कमसिन बच्चे माओं को गोद में हैं वो लेकर यहाँ से ताल कटोरे की तरफ रवा दमाएं। तो हम इन तमाम कोशिशों के साथ, इन तमाम मनाजिर के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप खदीजा टीवी और लिमरा न्यूज़ पर हमारे इस तमाम तबसरे को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि पैगाम हक्कानियत और पैगाम हुसैनियत इसी तरह से आम होती रहे। क्या नाम है आपका? पास मेरे पास आ जाए। ये बच्ची है, देखिए आप देखे ना कैसे बच्ची। क्या नाम है आपका? आलिया फातिमा। कहाँ आप कहाँ पे रहती हैं? हुसैनाबाद लखनऊ। लखनऊ। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड ए। थर्ड में पढ़ती हैं। देखिए आप इस बच्ची के जज्बात को देखिए कि ये यहाँ पर ये परचम लिए हुए और यहाँ पर इस पर या हुसैन लिखा हुआ है। तो आप देखें ये बच्ची कमसिन बच्चे हैं और यहाँ से सफर बहुत दूर है करबला का, यानी करबला ताल कटोरे ही जाएगी यहाँ से। तो आप पैदल जाएंगी? आपके साथ और कौन कौन है? पापा। ये कौन है आपका? आपका क्या नाम है? सैयद अस्करी हसन। अस्करी हसन। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? थल्दे। थर्ड में। आप भी थर्ड में पढ़ते हैं? किस स्कूल में पढ़ते हैं? यूनिटी कॉलेज। आप पैदल जाएंगे यहाँ से? यस। तो यहाँ पर आप जब आए हैं तो आपको क्या क्या महसूस हो रहा है? क्या कुछ मैसेज आप देंगे? आप कुछ बताइए हमारे इस अरबईन के बारे में, कुछ आप बताएंगे हमसे? थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। हम लोगों के मौला की आज मतलब शहादत हुई थी, उसके लिए हम लोग ये सब कर, मौला की शहादत को याद कर रहे हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ से आप बहुत दूर है, तो यहाँ तक पैदल जाएंगे आप? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे पूछूं, बड़े होके क्या बनेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे, माशाल्लाह। हम आपके लिए दुआ करेंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। आप क्या बनेंगे? हदीस खान। हदीस खान बनेगी, माशाल्लाह। तो आप देखें ये बच्चों की तरबियत का नतीजा है कि इनके वालिदैन ने किस अंदाज में इन बच्चों की तरबियत दी है। ये परचम हाथ में है और ये सदा दे रहा है कि उन 72 शहदा के जिन्होंने 3 शब रोज़ की सुबत और भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और आज आलम इस्लाम को इस तरीके से पूरे दुनिया में आशिकार किया, पूरी दुनिया में सर बुलंदी अता की है। तो आज हम उन 40 उन तमाम शहदा का चेहलुम मनाने के लिए इस शहर आज़ा में मौजूद हैं। तो हम तमाम मनाजिर से आपको जोड़े रखेंगे, कोशिश करेंगे उन लोगों से बात करने के लिए जो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। करबला गए थे आप? हम लोग करबला जा चुके हैं। पैदल गए थे वहाँ पे? अरबईन में गए थे हम लोग, गए थे करबला ज़ियारत करने गए थे हम लोग तब आए, इसीलिए हम लोग तक ताल का तोरे पैदल जाएंगे, तो मौला इंशाल्लाह हम लोग को अरबईन में भी बुलाएगा। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।
देखिए बच्चे ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ये अरबईन में कर्बला की इस तासी में कर्बला तार कटोरे जाएंगे और मौला से दुआ करेंगे कि अगले बरस अरबईन में इसी तरीके से नजफ से कर्बला तक पैदल चले ना, ना ये यही बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखिए बच्चों को देखें आप, छोटे कम से बच्चों को जो अपने वालिदैन के साथ यहाँ आए, उनकी गोदों में ये बच्चे, ये मुस्तकबिल है हमारी कौम का और ये अरबईन की इस तमाम मनाजिर में से एक है कि ये अपने बच्चों को शाले अजा पहना के लाए हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि इसी तरीके से कर्बला में अगर हम होते तो इमाम हुसैन के सामने इन बच्चों को नजराना पेश कर सकते थे। तो नाजरीन हम कोशिश करेंगे उन तमाम, क्या नाम है आपका? अफजल अब्बास। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ने ही आते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता है आपको? तो ये छोटे छोटे कमसिन बच्चे और इस बात का सबूत है कि ये अपने वालिदैन की गोद में जाकर यहाँ से कर्बला पहुँचेंगे और कर्बला की उस तासी में यहाँ से जिस तरह से लोग कर्बला मुअक्कदसा कर्बला मुअल्ला तक जाते हैं और पैगाम देते हैं लोगों तक, किस तरीके से वही तासी यहाँ पर कर रहे हैं। और क्या है? इस लाइव ट्रांसमिशन में जितने लोग हमसे जुड़े हैं हम उन सब के उनके उनके लिए दुआ करते हैं, दुआगो हैं कि इस मुकद्दस दिन पर जब यौम अरबईन जो जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लाइव ट्रांसमिशन में, तो हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि दुआगो कि आज इस यौम अरबईन परवरदिगारा उनके तमाम ख्वाहिशात जो
जायज़ ख्वाहिशात हों उनको पूरा कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो इस वक्त यहाँ से जारी है लखनऊ की इस सरजमीन को, जिसको हम अदब का गहवारा कहते हैं, इस वक्त इस योम अरबईन जो जुलूस मुकद्दस है वो अपने शहराओं से अपने रास्तों से गुजरता हुआ ताल कटोरे तक जाएगा। और ये सही है कि जब हम इमाम मज़लूम करबला को याद करते हैं और उनके लिए हर एक अमल करते हैं तो एक अमल उसमें से मशी करना भी है। और लोग जो नजफ से करबला या दीगर इराक के कोनों कोनों से पैदल जाते हैं करबला मुकद्दसा या करबला मुअल्ला, उसकी तासी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखें तहद नज़र या जो मजलिस ख़त्म होने के बाद जो जुलूस निकला है, वो जुलूस अपने जुलूस की शक्ल में तमाम अंजुमन हाय मातमी सीना जनी नोहा खानी करती हुई अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए करबला ताल कटोरे की तरफ जा रही है। तो हम बात करते हैं इन मुख्तलिफ लोगों के जरिए कि जिस तरह से यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं और अपने आका और मौला को याद कर रहे हैं। इस योम अरबईन जहाँ लोग लाखों और करोड़ों करबला पहुँचे, हमें भी एक सआदत हासिल हो कि परवरदगारा हमारे दिलों की धड़कन से इमाम मज़लूम करबला की उस असल रोज़े तक उसकी ज़ियारत को नसीब फरमा, ताकि हम भी वहाँ पहुँच कर उस रोज़े को देख सकें। पिछले बरस ये सआदत हासिल हुई जो वहाँ पर तमाम चीज़ें देखी, तमाम मनाजिर जो देखे करबला में और जो मशी के दौरान, वो लायक़े इबरत हैं। और उन तमाम लोगों के लिए कि जो करबला जाना चाहते हैं वो सिर्फ अपने दिलों से ये आवाज़ बुलंद करें लब्बैक या हुसैन लब्बैक या इब्न रसूलुल्लाह, वो ज़रूर उनकी आवाज़ मुस्तजाब होती है और करबला तक पहुंचती है। तो हम आज इस योम अरबईन इसी तासी को लेकर इस शहर अज़ा में मौजूद हैं लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए खदीजा टीवी पर और लिमरा न्यूज़ जो कि आप हमारे चैनल को देखा करते हैं उससे हम जुड़ें। तो तमाम लोगों से ख्वाहिश रहती है कि तमाम हमारे साथ जुड़ के अपनी दुआओं को हमसे कराते हैं। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए अपने मैसेज के ज़रिए लब्बैक या हुसैन का मैसेज करने के साथ अपनी दुआओं का नजराना पेश करें और हमें मैसेज भेजें ताकि हम उनका नाम और अपने इस लाइव ट्रांसमिशन में उन तक तमाम मैसेज पहुँचा सकें। अब देखिए ये अंजुमनों का एक सिलसिला है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और इससे सामने एक अंजुमन है जो अपने तमाम दस्ते के साथ नौखानी वसीना जनी करते हुए आ रही है। आप इसके मनाजिर अपने स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं और फिर आपसे गुजारिश है कि हमें और हमारी टीम को दुआ में याद रखें ताकि इंशाल्लाह ताला हम इस तमाम मनाजिर को अपनी पूरी हज़्ब हैसियत जितनी क़ुव्वत होगी उसको आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल करेंगे। खदीजा टीवी और लिमरा न्यूज़, खदीजा टीवी और लिमरा न्यूज़।
आप इन बच्चों को देखें, इनके जज्बों को सलाम, और ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, और इस मुस्तकबिल को सलाम और इनकी मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ। तो आप देखें ये मनाजर हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और कोशिश है कि इनके हक में दुआ करें और इनके वालिदैन के हक में दुआ करें, ताकि ये अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह से करें कि बांटने का जज्बा किस तरह से होता है, इमाम हुसैन के नाम से किस तरह से लोग बांटते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? एलिया ज़ारा। इधर इधर यहाँ आइए, यहाँ आइए। नाम बताया उसको, देखिए तो आप क्या लिए हुए हैं? फ्लैग। फ्लैग है। अच्छा आप कहाँ जा रही हैं अभी? करबला। करबला जा रही है, पैदल जाएंगी वहाँ तक? आप किसके साथ आई हैं? बाबा के साथ, मामा के साथ? पापा। पापा के साथ आई हैं। अरे माशाल्लाह, चलिए देखें आप इन बच्चों को, और आप यहाँ से इन मनाजर को देखे। ये पीछे अंजुमन हाय मातमी जो क्या नाम क्या है आपका? नाम बताएं ना।
करने। खड़े में देखे हुए हैं। खड़े में देखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये अंजुमन बादशाह का जुलूस है और ये अपने अपने ही अंदाज में, मखसूस अंदाज में इस यौम अरबईन इमाम के चौहलम पे खराज अकीदत पेश कर रही है। और यहाँ से इमाम बारगाह हुसैनिया नाज़िम साहब से करबला ताल कटोरे की तरफ गामजन है। तो आज इस यौम अरबईन हम इस शहर अज़ा से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं और इस शहर अज़ा का एक ख़ास तुर्रे इम्तियाज़ है। और हमारे साथ इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मूसा रज़ा साहब, जिनसे हम महवे गुफ्तगू होने जा रहे हैं। जनाब आप थोड़ा सा इधर आएँ। आज इस यौम अरबईन यकीनन हर इंसान की एक दिल की ख्वाहिश होती है कि वो करबला मौला जाए, सलाम करें, लेकिन हम यहाँ भी उस तमाम शबीए मुकद्दस को यहाँ पर पहुँचाते, क्या तासुर?
लखनऊ से देखने और इस वक्त हम दोनों चैनल यानी खदीजा टीवी और लिमरा न्यूज पर आपसे ये लाइव कवरेज के जरिए से शहरयार लखनऊ से मुखातिब हैं। यहाँ पर आप ये अंजुनम अब्बासिया थी जो अपने मखसूस अंदाज में नोहा खानी व सीना जनी कर रही थी और यहाँ तहद नजर इस शहरयार से ये मनाजिर जो रोजे अरबईन यहाँ से करबला ताल कटोरे की तरफ गामजन है और इस मुकद्दस दिन में जहां हम अरबईन हुसैनी मना रहे हैं वहीं अपने दिनों
आ रहे हैं, वहीं अपने दिलों की धड़कन से एक सवाल भी है और एक मौला से इल्तिजा भी है कि अगले बरस हर वो इंसान जो यहाँ पर मौजूद है करबला मोहल्ला पहुँचे और अपने अपने हाथों से अपनी आँखों से उस दयार उस जगह को देखे जहाँ पर हमारे और आपके आका मौजूद हैं, यानी इमाम मजलूम करबला का वो मत्सन वो जहाँ पर मौजूद है करबला मोहल्ला में बैनुल हरमैन के नज़दीक पहुँच कर आप खराज अकीदत पेश करें। तो आज इस योम अरबईन इस शहर आज़ा लखनऊ से जो ये तमाम बराह रास्त मनाजिर पेश किए जा रहे हैं खदीजा टी वी पर और लिमरा न्यूज़ पर। उलटे का जमाने के वरको,
हल्के हुए आए नहीं यार रुको यही तो है क्या Thank you.
इधर जाओ। कौन? मैं अपने पहचाना नहीं किया राहुल भाई को। बड़ा कैमरे की दिक्कत है ना।
नाज़रीन एक बार फिर खैर मकदम लिमरा न्यूज़ पर इस वक्त इसी में अरबईन शहरेज़ा लखनऊ से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ और यहाँ से तमाम मनाजिर जो इस अरबईन हुसैनिया नाजिम साहब से होता हुआ ये जुलूस मुकद्दस करबला ताल कटोरे की तरफ रवा व दवा है और पीछे अंजुमन लश्कर हुसैनी और हमारे सामने अंजुमन शाहीन सोजा जो अपने मखसूस अंदाज में सीना जनी व नोहा खानी कर रही है। हम आज इस योम अरबईन अपने दिलों की धड़कन से एक ही दुआ को बुलंद करते हैं कि परवरदिगारा हमें भी वो खुशनबी नसीब बना कि हम अगले बरस इसी तरीके से करबला मुअल्ला में बैनुल हरमैन के दरमियान अपने आखा और मौला इमाम हुसैन और मौला अब्बास के दरमियान अपने नजराने अकीदत को पेश कर सकें और ज्यारत को ज्यारत पर जा सकें। हर दिल यही गवाही देता है कि लब्बैक हुसैन या हुसैन की सदाओं के साथ कि कैसे वो अपने दिलों के साथ साथ परवास करके करबला मोहल्ला पहुंच जाए और नजफ से करबला की उस मशी में जो तकरीबन 90 किलोमीटर की मुसाफरत तय करते हुए एक जाहिर पैदल चलते हुए करबला मोहल्ला पहुंचता है। तो आज इस मनाजर के साथ यहां से आप तहद नज़र देखेंगे कि अब लाखों की तादाद में शहर अज़ा से जो तमाम जव्वार आशिकान हुसैन है यहाँ मजहब मिल्लत की कोई कैद नहीं है, यहाँ गैर मुस्लिम भी है, यहाँ तमाम शिया हजरात हैं तो उसके साथ सुन्नी हजरात जो सुन्नी बिरादरान हैं वो भी अपने अकीदत के फूल इमाम हुसैन मजलूम करबला की बारगाह में चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में जहाँ पर हजारों और लाखों जो आशिकान हुसैन हैं वो अपने आका और मौला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो लिमरा न्यूज़ पर ये रवा तबसरा आप देख रहे हैं लाइव मनाजर के साथ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे तरवीज के लिए इसको शेयर करते रहें।
जा रहे हैं क्या? करबला के इन 72 शहदा जो भूख और प्यास की सूबत हासिल कर किस तरीके से जामे शहादत पेश किया, आज उनका चेहलुम बनाने के लिए हम शहर अज़ा में मौजूद हैं। लखनऊ को तर्र इम्तियाज़ है कि लखनऊ जहां अदब का गहवारा है, वहीं तमाम अंजुमन हाय मातमी किस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अंजुमन काजमिया आबदिया जो इस शहर की मशहूर व मारूफ और बहुत कदीमी अंजुमन है, इसके दो नायाब गुहर हमारे साथ हैं, उनके दोनों साहिब बयाज जिनसे हम महब गुफ्तगू होंगे और इस कदीमी जुलूस को जो यहाँ से उठकर सीधे करबला ताल कटोरे की तरफ रवा दमा है, आज के तासुरात जब हम अरबईन हुसैनी मना रहे हैं और ये रवा तबसरा जो लाइव लिमरा न्यूज़ पर है, इसके हवाले से जो तमाम तर बातें हैं वो किस तरीके से एक जव्वार को उसके अपने अकीदे के साथ, अपने तासुरात के साथ, अपने एहसास के साथ आगे बढ़ाता है, आइए हम बात करते हैं। क्या आज के इस मुकद्दस जुलूस के साथ क्या तासुरात हैं और कैसे पैगाम देंगे दुनिया को? दुनिया को पैगाम इसका ऐसा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी कौम एक जगह मुनज़्ज़म हो के एक साथ में आगे पीछे चलती हैगी और दूसरी कौमों के लोग भी जो नहीं इस चेहलुम में शरीक होते हैंगे। ये इमाम हुसैन सलाम का चेहलुम है, इसको मनाने के लिए हर मसलक का आदमी जो नहीं मौजूद रहता और नाजिम साहब के इमाम बाड़े से तालकटोरे करबला तक पैदल जाता और अंजुमनों के हमराह जो नहीं चलता है। ये नाजिम मैं बाप माजरत के साथ मैंने तारुफ नहीं दिया ताकि नाम भी आपको पता जाए, जनाब मोहतरम तकी मिर्ज़ा साहब जो मोहताज तारुफ नहीं है पहले, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन में वो अफराद जो जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं। यकीनन हज़ारों की तादाद है और उस पर एक बच्ची जिसका हमेशा तस्करा होता है और हमारे दिलों की हल धड़कन शहजादी सकीना को याद करती है। जब हम इतने मजमे को देखते हैं तो जाहिर सी बात है हर धड़कता हुआ दिल जिसके अंदर इंसानियत का दिल है, वो मनाजिर जो हमारे जहनों में आते हैं उसका कैसे महसल होगा, कैसे दुनिया तक पैगाम जाएगा कि ऐ लोगों जागो, हुसैन की सरबईन में आओ और देखो कि कैसे इंसान आगे बढ़ता है। जनाब सकीना इमाम हुसैन सलाम की सबसे छोटी बेटी थी और इमाम हुसैन सलाम को जनाब सकीना से इतनी मोहब्बत थी कि बेटी बाप के सीने के बगैर सोती नहीं थी। करबला में जब इमाम हुसैन सलाम शहीद कर दिए गए बच्ची शाम के जिंदान तक कभी सोए नहीं, रातों को रोती रहती थी, दिन को जागती रहती थी। छोटे छोटे बच्चे जिंदाने करबला में जिंदान के दरवाजे पर आते थे, उनको बताती थी कि मेरे बाबा को कैसे शहीद किया गया। उसके बाद वो बच्ची शाम के जिंदान में सो गई और यजीद ने उसकी तस्कीन के लिए उसके बाबा का कटा हुआ सर भेजा। उसके बाद जो नहीं बच्ची ने बाप के चेहरे पे चेहरा रखा और खामोश हो गई। ये चेहलुम में जनाब सकीना जरूर तशरीफ लाती हैंगी और अपने बाबा का पुरस्कार कबूल करती हैंगी। जज़ाकअल्लाह। आई नाजीन हम जैगम साहब की तरफ भी बढ़ते हैं और एक ये तमाम हैजानी कैफियत उन लोगों के लिए है कि जो अरबईन हुसैनी में करबला जाते हैं, करोड़ों जायरीन हैं जहाँ मसलक, जहाँ मजहब, जहाँ जबाने, जहाँ सरहदें मिट जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जा चुके हैं, हर बार इंसान जाना चाहता है, तो ये तमाम चीज़ें जो आज भी लोगों के लिए मिशाले राह हैं, लोगों को पैगाम देने के लिए, आपके जहन में क्या आता है? अरबईन में जो लोग करबला जा सकते हैं ठीक है और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अपने अपने वतन में जैसे पुरखलूस तरीके से मनाते हैं उसी तरह अरबईन हुसैनी मनाना चाहिए। जज़ाकअल्लाह। तो आपने समाअत फरमाई, ये दो गुफ्तगू हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। ये दोनों लोग अभी अपनी अंजुमन हाय मातमी के साथ यहाँ निकलेंगे और हम कवर करेंगे इन्हें और इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआओं में हमें याद रखें ताकि हमारी ये कोशिशें काविशें आगे बढ़ती रहें। आइए नाजिन हम कुछ और मनाजिर के साथ आपको जोड़ते हैं। मैंने आपको अर्ज किया ना ये लाइव ट्रांसमिशन के साथ इस वक्त हरम ये सबील सक्का सकीना वो नाम जो इमाम हुसैन को बहुत प्यारा था, आज उस नाम से यहाँ पर सबील लगाई गई है। ये लाइव ट्रांसमिशन, ये लाइव मनाजिर, यहाँ तमाम अराकीन जो भी बैठे हुए हैं, ये तमाम नौजवान इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इन तमाम लोगों से हम बात करते कि किस तरीके से इस सबील के बारे में बताएं। क्या वो बता रहे थे इनका? आइए भाई।
लब्बैक का या हुसैन यहाँ पे इसे एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो दिलों की धड़कने लफ्ज बनकर आपके लबों पर आ रही होंगी, उसको हमसे शेयर कर। बस लब्बैक का या हुसैन। तो जाहिर सी बात है ये लफ्ज ही काफी है उन तमाम लोगों के लिए, यहाँ पर जितने लोग हैं मैं चाहूंगा कि एक बार सबके को दिखाया जाए ताकि इनके हौसले से हौसला मिलता रहे और लोगों तक ये पैगाम जाए कि हुसैनी आजादार किस तरीके से तमाम तर मनाजिर को आप इससे योम अरबईन इस शहर आजा लखनऊ से लाइव ट्रांसमिशन के जरिए लिमरा न्यूज पर जो देख रहे हैं उसके जरिए हम आपको जोड़े हुए हैं। ये कुछ जाहिर सी बात है कि करबला उस सहरा का नाम उस बियाबान का नाम नहीं है, करबला में इमाम हुसैन मजलूम करबला ने शहादत दे दी, लेकिन उसके बाद जब इससे काफिले की निगेबान हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह बनी तो किस तरीके से करबला के उस पैगामात को पूरी दुनिया तक नशर किया। खवातीन का एक अहम किरदार है इस अरबईन हुसैनी एक खहार है जिनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, किस तरीके के आज इस तासरात को आप हमसे शेयर करें। हमारे तासुरात ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले कि शुक्र है अल्लाह का कि हमको इस कौम पे पैदा किया कि जिसकी शिफायत और बख्शिश का वादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के तासुरात सिर्फ हमारे लिए गम के लिए ये है कि जिस इमाम हुसैन और जिस बहत्तर को भूखा प्यासा शहीद किया था, आप खुद देख रहे हैं कि माशाल्लाह हर जगह उनके नाम पर कितना खिलाया जा रहा है, कितना पिलाया जा रहा है। इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए, इससे हमें सबक ये मिलता है कि हम ये नहीं देखें कि कौन है कौन नहीं है, बल्कि ये हुसैनी है तो सब कुछ उसके लिए है। आप अपने तारुफ दे दीजिए। जी मैं, मेरा नाम असमा है शबी फातिमा, मैं अलीगंज में रहती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ख्वार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आपके इस मैसेज से मैं समझता हूँ कि खवातीन के अंदर वो मिशल राह पैदा होगी कि जो सैदानी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ने जो पैगाम पहुँचाया है। तो नाज़रीन यकीनन हम इस तमाम ट्रांसमिशन को जो लाइव मनाजर के साथ जोड़ रहे हैं, आइए कैमरामैन के जरिए जाहिर सी बात एक अहम पैगाम है, इस पैगाम को हम कैसे आम कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ते रहिए और लोगों तक इस पैगाम को कैसे पहुँचा सकते हैं। लाइव प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं इस वक्त लिमरा न्यूज़ पर, और आमिर साहब इस वक्त एक बहुत ज़हीन सहाफ़ी और सहाफत का किरदार निभाने वाले एक ऐसे कलमकार जिसकी कलम ही उसकी तलवार है, उसकी ज़बानों से निकलने वाला हर लफ्ज़ अपने आप में एक किरदार नुमा शख्सियत को आगे बढ़ाता है। आज अरबईन हुसैनी इमाम मज़लूम करबला को किस तरह से खिराज अकीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अरबईन हुसैनी आज चेहलुम है, आज ही के दिन शहजादी ज़ैनब पहली बार करबला मोहल्ला पहुंची थी और सैयदना इमाम हुसैन अपने भाई को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया था। आज तमाम मोमिन आप देखिए कोई भी कहीं हो लेकिन करबला पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, ये अकीदत हमारी है और अपने इमाम को रो रो करके पुरसा देते हैं, यही मोमिनीन होने की निशानी है। और सियाने हैदर कर्रारी क्यों, तमाम दुनिया के इंसान पसंद इंसानियत पसंद लोग इमाम हुसैन को पुरसा देते हैं और खराज पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप अपना तारुफ दे दीजिए। भैया मैं 9 PM न्यूज लाइव का संपादक जुनैद पठान हूँ। ताकि आप जो है वो शांति प्रिय जरूर रहें, आप जो है अमन और शांति का पैगाम जरूर पहुंचाएं, लेकिन हक पर अगर आप हैं तो बातिल से लड़ने का जज्बा भी होना चाहिए और वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है और ये आज जो मजमा आप देख रहे हैं चेहलुम का, इसमें सैकड़ों हजारों आजादार
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है। और ये आज जो मजमा आप देख रहे हैं चहलुम का, इसमें सैकड़ों हजारों आजादार लखनऊ के तो है ही हैं, साथ साथ लखनऊ के बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो जिस तरीके से छुरियों का मातम कर रहे हैं, सीने पीट रहे हैं, जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लहू वहाँ पड़ा था, जिस तरीके से खून बिखरा था, इसी तरह से ये अकीदतमंद आजादार उनको ये छुरियों का मातम करके खून बहा करके खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ आवाम से ये कहना है कि जुल्म से लड़ें, अमन शांति ज़रूर बनाएं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। इसी तरह हम सब आज़ादार एक साथ मिल करके उनको खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूबसूरत ये अल्फाज शायद एक सहाफ़ी के हो सकते हैं और एक कलमकार अपने कलम को जब तलवार बनाता है तो उसके अल्फाज भी इसी तरीके से पेश होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके पठान साहब। ये लाइव ट्रांसमिशन जो आप लिमरा न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं, इसके ज़रिए हम उन तमाम हुसैनियों को जो दर्दमंद दिल के धड़कता हुआ दिल रखते हैं और इंसानियत का दिल और जिगर रखते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि आज हज़ारों और करोड़ों आशिकाने हुसैन जो तमाम पूरे सरजमीन दुनिया में यहाँ पर मौजूद है, उनके दिलों की धड़कन आज सिर्फ एक ही सदा बुलंद कर रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आइए नाज़रीन कुछ और मनाज़र के साथ आपको जोड़ते हैं। यहाँ इस वक्त हम जिस यहाँ पे शहरा पे खड़े हुए, ये नफास का चौराहा कहलाता है, आप इसमें देखेंगे कि रोज़ यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर ट्रैफिक होता है, लेकिन आज वो ट्रैफिक नहीं है बल्कि आज़ादार हैं और आज़ादारों के दिलों की धड़कनें हैं जो लब्बैक या हुसैन की सदाएँ बुलंद कर रही हैं। तो आज इन तमाम मनाजिर को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम कुछ और मनाजिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से माओं की गोद में है, हम उनको भी देखते हैं। ये कमसिन सा शहजादा, इस कमसिन सा बच्चा जो आप देखेंगे माओं की गोद में लेकर माएँ बताना चाहती हैं कि कैसे शीरख्वार जनाब अली असगर को याद करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से इस जुलूस में यहाँ पर मौजूद हैं। आई नाजीन हम कुछ अलग इधर बढ़ते हैं और मनाजिर के साथ आपको जोड़ते हैं।
मूवमेंट करोगे कुछ कर लो कर उसके फिर न्यूज के लिए सेगमेंट बना लो छोटे छोटे पहन लो उनसे चलो एक दो करा दे इधर आगे चलो पीछे चलो हाँ बहुत ऊपर आओ ऊपर आओ यहाँ पे खड़ो नाज़रीन एक बार फिर खैर मकदम है। इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन है और हम लखनऊ से आपसे बराह रास्त जुड़े हुए हैं। सामने तमाम अंजुमन हाय मातमी जो अपने अंदाज में नौहखानी व सीना जनी कर रही हैं, हम इन तमाम मनाजिर को आप लमड़ा न्यूज़ पर इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन के जरिए पेश कर रहे हैं। तो हम अपने पूरी टीम के साथ इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि तमाम वो मनाजिर जो इस योम अरबईन इस शहर अज़ा लखनऊ से आपके हमराह और आपके तमाम दिलों के धड़कनों तक पहुँचते हों वो तमाम मनाजिर आप तक पेश कर रहे हैं। आइए हम हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इन तमाम मकासद को हमारे साथ जोड़ कर देखते रहिए। इस मनाजिर को आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो यहाँ से इस वक्त यहाँ पर हज़ारों जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ट्रैफिक होता था और आज यहाँ पर हज़ारों ज़ायरीन हैं, हज़ारों आशिकान हुसैन जो आप इस मनाजिर को आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो यहाँ से इस वक्त यहाँ पर हज़ारों जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये ट्रैफिक होता था और आज यहाँ पर हज़ारों ज़ायरीन हैं, हज़रानों आशिकान हुसैन जो अपने अंदाज में यहाँ से गुजर रहे हैं और उनके सब दिलों की धड़कन, बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिलों की धड़कनों से एक ही तमन्ना है कि काश हम भी करबला मुअल्ला पहुँचें और इसी तरीके से मशी करते हुए बैनुल हरमैन के दरमियान पहुँचें और अपने आका और मौला को अपना नजराने अकीदत पेश करें। हम इस लाइव मनाजर के साथ आपसे जुड़े जो इस वक्त इस शहर अज़ा लखनऊ से
जी। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास, आप ये क्यों कुछ खा रहे हैं? आप इसको खा लीजिए। कहाँ रहते हैं आप? मुफ्तीगंज। मुफ्तीगंज में रहते हैं। कुछ पढ़ेंगे? माशाल्लाह, चलिए चलिए। मजलिस मजलिस पढ़ेंगे थोड़ी सी शॉर्ट में। बिस्मिल्लाह। मैंने इमाम अहमद इब्ने हंबल, उनके बेटे ने एक बार उनसे पूछा कि बाबा साहबा में तरतीब फजीलत के एतबार से क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे अफजल अबू बकर है, उसके बाद उमर है, उसके बाद उस्मान है। फिर चुप हो गया। कहा बाबा अली का बेटा तुमने साहबा में पूछा था? कहा बेटा तुमने साहबा में पूछा था, और अली उस घराने से किला युकासिब अमात, इनके बराबर तो कोई है ही नहीं। जज़ाकअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखें, ये है बच्चों की तरबियत। इन्होंने जनाब इमाम हम्बल की एक रवायत को पेश किया है, और इस बच्चे के लिए दुआ करें। इन्होंने पूछा है इसे तफजील के बारे में, अफजलियत के बारे में, और यकीनन अगर ये किसी को शक हो तो जाकर उन तमाम सियाह की किताबों में जनाब अहमद इब्ने हम्बल की इस रवायत को देख सकता है और सोच सकता है और समझ सकता है। तो आज इस योम अरबईन हम इस यहाँ पर मौजूद हैं और इस शहर अज़ा से मुखातिब हैं। तो इस बच्चे ने एक खूबसूरत हदीस को, इस कौल को नकल किया कि इमाम हम्बल ने किस तरीके से अपने बच्चे को कहा है, अपने बेटे से कहा है। तो हम उस तमाम मनाजिर को आप तक लाइव चल रहा है ये हमारा, तो लाइव ट्रांसमिशन में हम इन तमाम मनाजिर को आप तक पेश कर रहे हैं। बच्चे का सही से ले लें साइड से। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन बोल।
नहीं पाते हैं। देखें इन बच्चों की नशोनुमा, ये कौम का मुस्तकबिल है और इनके सीनों पर या हुसैन की सदा के साथ किस तरह से हाथ पहुंच रहा है। ये जाहिर सी बात है, इन बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कि हुसैन का नाम किस जिमा में, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम किस अंदाज में लिया जाए। तो ये तमाम मनाजिर हैं जो इस यौम अरबईन इस शहर अज़ा से बराह रास्त यानी लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त हमारा ये काफिला इस काफिले के साथ चल रहा है और हर एक धड़कन जहाँ दिलों की धड़कन की सदा एक ही है कि लब्बैक या हुसैन, और हर एक की ख्वाहिश ये है कि वो करबला में अगले साल इसी तरीके से मशी करता हुआ बैनुल हरमैन पहुँचे, यानी इमाम मजलूम करबला के उस दयार में करबला में जहाँ पे मौला इमाम हुसैन और मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। तो हम इस पूरी लाइव ट्रांसमिशन में आपको जोड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके के तमाम मनाजिर जो शहर अज़ा से हैं वो यहाँ से इस ट्रांसमिशन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। आइए एक अजीम तरीन शख्सियत से रूबरू होते हैं और इस पैगाम के साथ कि इस यौम अरबईन इस शहर अज़ा से जहां हम तासी कर रहे हैं इमाम मजलूम करबला के उस हरम से जो नजफ़ से करबला की तरफ गामजन होता है और जिसे हम मशी कहते हैं। आज इस वक्त मौलाना गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ हैं, मोहताज तारुफ नहीं है, आप इनको टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए देखते हैं, इनके बयान सुनते हैं। आज इस पैगाम को हम इनके ज़रिए अपने तवसल से पहुँचा रहे हैं और आप इनको दुआओं में याद रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत इस्तकबाल है रिंदा रीज पर, लाइव ट्रांसमिशन है, पूरे लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आज इस रोज़ जो आज इस मुकद्दस दिन पर इस मुकद्दस जुलूस के साथ क्या पैगाम होगा? देखिए पैगाम सबसे बड़ा ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने जो अपनी कुर्बानी दी है वो जुल्म के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि यजीद जुल्म कर रहा था और हज़रत अली इस्लाम ने कहा है कि हुकूमत कुफ्र पे तो चल सकती है, हुकूमत कुफ्र पे तो चल सकती है मगर जुल्म पे नहीं चल सकती। और यही वजह है कि हुसैन इमाम मजलूम करबला ने जो कुर्बानी दी किसी एक मसलक कम्युनिटी, इमाम हुसैन इस्लाम का पैगाम बॉर्डरलेस है, यूनिवर्सल है, इसलिए इमाम हुसैन इस्लाम ने जो पैगाम दिया था वो अकदार नौ बशर डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के लिए। और यही वजह है कि इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कुर्बानी दी है तमाम इंसानों के राइट्स छीन रहा था यजीद, उनके हकूक छीन रहा था, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने उसे जो आज़ादी सलब कर ली गई थी उस आज़ादी को फिर से इमाम हुसैन इस्लाम ने दुनिया के तमाम इंसानों को दिलाई। इसीलिए आज बगैर किसी रंग नस्ल क्रीड कास्ट किसी भी एतबार से आप देखें कि हर इंसान हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का गम मना रहा है। और ये जो अरबईन है लखनऊ का, ये ठाठे माता व मजमा आप देख रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का पैगाम आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा, यही इमाम हुसैन इस्लाम का पैगाम था इंशाल्लाह। देखें हम सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत मुख्तलिफ ख्यालात के मुख्तलिफ लोग आते रहेंगे और आते रहे हैं, लेकिन इधर देखा गया है कि कुछ दिनों से कुछ नासबी हजरात जो जिनको हजरात कहना एक अलग होगा वो भी अपने तौर पर यजीद को कहीं ना कहीं दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पैगाम है हुसैनी, इस बात की दलील है कि इस तरह के तमाम जो जम्मे गफीर हैं उसके तरीके से पैगाम पहुँचाया जाए या सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हम इस तरह से कर सकते हैं? देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं उसमें सारे नासबी हैं, लेकिन उसमें जो और दूसरे हजरात हैं दूसरे मसलक के मानने वाले वो भी हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का एहतराम करते हैं मानते हैं, लेकिन कुछ नासबी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बुग्ज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शामिल कर देते हैं। लेकिन एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा कि जब उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि नहीं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो यजीद के खिलाफ इकदाम किया था, अगर हुसैन इब्ने अली इकदाम न करता तो इस्लाम फना हो गया होता, मिट गया होता, और अगर इस्लाम का नाम होता भी तो वही इस्लाम होता जो हज़रत मूसा के बाद उनकी कौम का हुआ, वही हाल होता हज़रत इस्लाम का भी जो हज़रत मूसा के बाद उनकी कौम का हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, और नासबियत जो है वो आप देखें इंशाल्लाह धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे जैसे इमाम हुसैन इस्लाम की मार्फत होती जा रही है ये चीज़ें कम होती जा रही है, और हमें सोशल मीडिया का जो है पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मैसेज को पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब, आपने हमसे बात, शुक्रिया। लाइव ट्रांसमिशन के जरिए इस बस लमरा न्यूज़ पर हम रवा तफसर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और इस वक्त हम सूरत यहाँ पर शहर अज़ा लखनऊ से ये मनाजिर दिखा रहे हैं। सामने अंजुमन आबदिया काजमिया जो बहुत कदीम अंजुमन है और अब वो अपने अंदाज में नोहा खानी वसीना जनी कर रही है।
नदीम भाई ये सबील हुसैनी, और इस वक्त यहाँ पर आप देखेंगे ये जम्मे गफीर है और लोग यहाँ से उस इस जगह से देखें आप तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहाँ से साथ जुड़े और कुछ लोगों के साथ यहाँ पर उलमा इकराम भी हैं और उलमा इकराम के साथ हम बात करेंगे। अब्बास साहब जो इस वक्त मौजूद है और मौलाना नजर अब्बास साहब दोनों हमारे साथ मौजूद है। ये लाइव ट्रांसमिशन गुजर रहा है और यहाँ से ये उलमा इकराम है, इनके मैसेजेस हमारे लिए मिशाल रहा होंगे, तमाम नाजरीन के लिए मिशाल रहा होंगे और यहाँ से पैगाम हुसैनियत और हक्कानियत आम होगा। तो हम कोशिश करेंगे इस योम अरबईन इस शहर आज़ाद लखनऊ से इन दोनों उलमा इकराम का खैर मकदम करते हुए इनसे मैसेज लेते हैं। अब्बास साहब यकीनन आज दुनिया इस हैजानी कैफियत में है और लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है कि कैसे अरबईन हुसैनी में जहां लोग करोड़ों की तादाद में करबला पहुँच रहे हैं और जो नहीं जा सकते वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है और पाइंदाबाद है। तो यहाँ से क्या तासरात और क्या पैगाम आते हैं? बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, इसलिए कि पूरी दुनिया में यह मसीह के जरिए जो एक नई बात उभर के आई है ये उस याद में होती है कि जब हमारी शहजादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कायद-ए-शाम से छूटकर मदीने के जाने का इरादा किया था और जब वो कायद-ए-शाम से उनको रिहाई मिली थी तो उन्होंने कहा था सबसे पहले हम अपने भाई की अजा करेंगे, उसके बाद फिर एक हुजरा खाली करवाया था और अजाए इमाम हुसैन सलाम की थी। उसके बाद जब इराक पहुंची तो नजफ से लेकर और करबला तक ये मशी फरमाई थी आपने, उसी की याद में 1400 साल से सिर्फ इराक ही में नहीं बल्कि आपके हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक में ये मशी होती है और इसके बहुत फजीलत है हमारे आपके छठे इमाम यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी नजफ से लेकर करबला तक मशी करता है उसके 50 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वाह आखिरु दवाना अलहम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यानी यहाँ पर उलमा से गुफ्तगू करने का ये सलीका भी और ये वतीरा भी होता है कि हमें ज़हनी ग़िज़ा भी मिलती है और उससे बहुत सारी चीजें। मौलाना नजर अब्बास साहब आज इस खाते मारता हुआ समंदर का ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद है आपसे भी उसी तरह का पैगाम कि दुनिया तक ये पैगाम जाना चाहिए कि जो इमाम ने कयाम किया था उसकी आज जिंदा मिसाल इन तमाम हुसैनियों को देख कर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, उस जिम्मेदारी को हम कैसे आगे बढ़ाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले ताहिरीन। रोज़े अरबईन अपनी इसकी एक अहमियत और बहुत बड़ी अजमत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़ुरबानी दी थी आज उस क़ुरबानी को और इमाम ने जो क़याम किया था उस क़याम को आज हम इस अरबईन के हवाले से और ये जुलूस और ये जितनी चीज़ें हम अंजाम देते हैं उसके ज़रिए हम लोगों को पहुंचाते हैं और ये आज से नहीं ये 61 हिजरी से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे लोग इमाम का ज़िक्र कर रहे हैं। चूँकि आपने जो क़ुरबानी दी वो क़ुरबानी इंसानियत के लिए थी और इंसानियत की क़ुरबानी हर एक के लिए, उसमें कोई एक कौम या कोई एक मज़हब का नहीं। आज करबला में देखें बहुत से दूसरे मजाहिब के लोग भी अरबईन के मौके पे पहुँचे हैं और हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमाम के नाम पर लोग मजलिस व मातम और जुलूस अज़ा निकालते हैं वहाँ हर कौम के लोग शामिल होते हैं और इस बात के सबूत पेश करते हैं कि देखो कि हुसैन ने जो ये क़ुरबानी दी थी और ये क़याम किया था किसी एक कौम किसी एक मजहब और किसी एक मिल्लत के लिए नहीं बल्कि ये इंसानियत के लिए था, आदमियत के लिए था और ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक पैगाम और एक एहतजाज है जो हम जुलूस निकालते हैं। तो अरबईन मार्च आज जो हिंदुस्तान या और दूसरे ममालिक में भी ये सब निकाला जा रहा है और इमाम का ज़िक्र किया जा रहा है ये एक जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एहतजाज है और आवाम के दरमियान से जहालत और बुराइयों को ख़त्म करने का एक पैगाम
وزارت اربعین کا جو ایک خوبصورت جملہ ہے وہ یہ کہ لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، اس اربعین کے ذریعے ہم اپنے قوم، سماج، ملت، معاشرے کے اندر جو جہالت ہے ہم اس کو ختم کریں، اور جو حیر، جو زلالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم ان کو ان سے نکالیں، تاکہ لوگ جو ہے ایک اچھے راستے پہ چلیں اور ایک بہترین کام کریں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کا نام روشن ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ہم سے مہر گفتگو تھے دونوں علماء اکرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے وقت دیا اور بہت قیمتی بات کی ہے۔ یقیناً ہم اس اربعین اپنے لیے کچھ ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اس ذمہ داریوں کو ہمیں کیسے نبھانا ہے۔ ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو کرتے ہیں۔ میں ابھی انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے جو گلاس ہیں ڈسپوزیبل، ان کو سمیٹ رہا تھا اور اس سے پورے سڑک کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ہماری ذمہ داری اپنے جلوس کو آگے بڑھاتے ہوئے پاک و پاکیزہ نفاست کو بھی آگے بڑھانا، تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ہم اس سے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے خدیجہ ٹی وی پر اور لمرا نیوز پر مخاطب ہیں، اور ہمارا عین کر دیجیے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ان بچیوں کے، اور یقیناً ادھر آوازیں ہیں اور بہت سارے، لیکن اپنے اپنے انداز ہیں۔ ان بچیوں کا ایک الگ، ان کے والدین کے لیے دعا میں ان کو یاد رکھے تاکہ ان کا روشن مستقبل ہو۔ اور یہ وہ بچیاں جو کہ جس اپنے ایک انداز میں بی بی سکینہ کا مصائب برائے لوہا پڑھ رہی تھی، تو انسان کی دل کی ہیجانی کیفیت کو کیسے انسان دیکھتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ایسے والدین جن کی اس طرح کی بچیاں ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس لائیو ٹرانسمیشن میں
और लिमरा न्यूज़ पर।